वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट दी स्ट्रक्चर्स ऑफ दी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को हमें ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब कोई एक हेलोजन किसी दूसरे हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है Cl F3, ठीक है, या फिर यहाँ पर हो सकता है Br F3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है IF A5, या फिर यहाँ पर हो सकता है IF7। तो मोस्टली जो यहाँ पर हेलोजन आएगा, ठीक है ना, जो यहाँ पर होगा हमारे पास ये सेंट्रल वाला जो यहाँ पर एटम होगा उसका साइज दूसरे हेलोजन से बड़ा होगा। तो ये दोनों हैं ऑफ द फॉर्म X X-3, ठीक है, और ये है ऑफ द फॉर्म X X-5, और ये है ऑफ द फॉर्म X X-7। हेयर जो X हेलोजन है दिस इज ऑफ द, इसका साइज होगा ज़्यादा और X- होगा छोटा। यहाँ पर हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या शो हो रही हैं, +3, +5 और +7। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा है, ये आप लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में रीड कर सकते हैं। तो जो भी इस फॉर्म के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होंगे उन सभी की सेम स्ट्रक्चर होगी। तो हम यहाँ पर बात करते हैं Cl F3 की यह स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर Cl है हमारा, दैट इज़ दी सेंट्रल एटम, और Cl के पास होते हैं 7 valence electrons। ये तो आप सभी को ही पता होगा, ठीक है ना, सभी हेलोजेंस के पास होते हैं 7 valence electrons। अब इसके साथ जुड़े हैं 3 फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। अब जितने फ्लोरीन एटम हैं उतने ही ये अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर कर, ठीक है ना, 7 में से, तो यहाँ पर बना लेगा 3 बॉन्ड पेयर्स, मतलब उसके साथ वो बॉन्ड्स बना लेगा। अब इसके 7 में से रिमेनिंग बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ कर क्या बनाते हैं, 1 पेयर, ठीक है। अगर हमारे पास होंगे यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या बनाएंगे, 2 लोन पेयर्स, ठीक है। अब देखिए कि 3 + 2 हमारे पास हो चुके हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब देखिए जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे तो 5 के केस में हम क्या अरेंजमेंट बनाते हैं, दैट इज़ दी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका मतलब इसमें कौन सा अरेंजमेंट बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट होगा जिनमें से के 2 पोजिशंस पर हम क्या रखेंगे अलोन पेयर, उसको यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो मतलब Cl हमारा बन जाएगा यहाँ पर सेंट्रल एटम, और यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं यहाँ पर हमने रख लिए दोनों के लोन पेयर्स, और एक हमने रख लिया यहाँ पर एटम। ये सभी एक प्लेन में है, दिस प्लेन इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। और जो 2 रिमेनिंग फ्लोरिन एटम्स हैं वो यहाँ पर हम एक्सियल पोजीशंस पर रखेंगे। सो दीज 2 आर दी एक्सियल पोजीशन। ये जो हमारी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनता है। अब जब यहाँ पर यूज़ हो गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3, 4 ऑर्बिटल ये हो गए और एक साथ में डी ऑर्बिटल आएगा। टोटल हमें यूज़ करने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3d, ठीक है, सिंपल है। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट बात, अब इसकी शेप क्या बनी है। शेप देखने के लिए हम सिर्फ बॉन्ड्स को देखें, सिर्फ Cl एंड F के बॉन्ड्स को ऑब्जर्व करें, सो दिस इज दी टी शेप। तो इसकी क्या शेप बनी है, टी शेप, एंड इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज दी बेंट टी शेप। ये इसे क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन हो जाती है उसके साथ इसकी जो यहाँ से स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी बेंट हो जाती है, सो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड बेंट टी शेप और सिंपली टी शेप, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली आप लोग Br F3 की स्ट्रक्चर, ठीक है, बनाकर देखें खुद। अब इससे आगे हम IF A5 और IF7, और इसके साथ हम 2 यहाँ पर आयंस के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, IClI2 negative एंड दी IClI4 negative। इन सभी की स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर बनाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। सो नाउ फॉर दी IF A5, ठीक है। अब IF5 में हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पर बचने वाला है, दैट इज़ दी आयोडीन, ठीक है। अब देखिए आयोडीन के पास भी कितने होते हैं, 7 होते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और अब इसने कितने बनाने हैं, यहाँ पर 5 जुड़ने हैं, दैट इज़ दी फ्लोरीन एटम। तो मतलब क्या बन गए, 5 ए बॉन्ड पेयर्स बन गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग बचे हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स से क्या बनेगा, ओनली 1 लोन पेयर। तो हमारे पास क्या बच गए हैं, टोटल कितने बन गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हो जाते हैं तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर रख लेंगे आयोडीन,
ठीक है, तो हमें अटैच करने हैं फाइव एक फ्लोरीन एटम। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि सभी पोजीशंस हमारे पास होती हैं सिमिलर, तो एक पोजीशन पर हम रख देते हैं यहाँ पर लोन पेयर को और बाकी सभी पोजीशंस पर हमने रख दिया है फ्लोरीन को। सो ये हो गया हमारा एक सेम प्लेन है, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर हम लोन पेयर को यहाँ पर हटाकर देखें तो इसकी ज्योमेट्री का क्या नाम बनेगा, दैट इज़ दी स्क्वायर ए पिरामिडल। ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर ए पिरामिडल शेप या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जब होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है, sp3, 4 ये हो गए और d2 बन जाएगा, sp3 d2, ठीक है। तो ये इसकी बन जाएगी स्ट्रक्चर, दैट इज़ दी IF5 की, सिंपल है, ओके अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही अब हम आगे करते हैं IFA7 की स्ट्रक्चर, ओके। सो नाउ IF7, ठीक है। देखिए IF7 में क्या होगा कि आयोडीन रहेगा हमारा ये सेंट्रल एटम, ठीक है। तो इसमें होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सभी के सभी ही 7 फ्लोरीन एटम्स के साथ जुड़कर बना लेंगे 7 बॉन्ड पेयर्स। सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन रिमेन, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं बचा है, तो साथ के साथ यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ही प्लेन में बनाएंगे हम यहाँ पर है 5 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सभी एक ही है प्लेन में है, ठीक है, दीज आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब रिमेनिंग बचे हैं 2, उनको हम यहाँ पर लगा लेंगे इन दी ए है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो दिस शेप इज नोन एज दी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसको हम क्या नाम देते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, अब यहाँ पर हैं टोटल ये 7 बॉन्ड पेयर्स, सो sp3, 4 ये हो गए और साथ में लग जाएंगे 3 d ऑर्बिटल्स, sp3 d3, ठीक है, सिंपल है। तो ये थी IF7 की। तो ऐसे ही इंटर हेलोजेंस के यहाँ पर कुछ आयंस भी फॉर्म हो सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले आयन की एग्जांपल है यहाँ पर ICl2 1 नेगेटिव, सो दिस इज द आयन ICl2 1 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट एक अब ऊपर आ चुका है चार्ज, अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो ये कितने बन गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, ठीक है। 2 जुड़े हैं इसके साथ Cl एटम, तो मतलब 2 क्या बन जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे। रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनसे क्या बन जाएंगे, 3 लोन पेयर्स बन जाएंगे। तो फिर से हमारे पास बन चुके हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इनके केस में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जो कि हमने Cl(F3) के केस में भी सोल्व की थी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगी, sp3d, ठीक है, 4 ये हो गए, 1 d हो गया। अब इसके केस में क्या होगा, सभी के सभी जो हैं हमारे लोन पेयर्स वो सभी आएंगे इन दी यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन में, क्योंकि वहाँ पर रिपल्शंस की वैल्यू लो रहती है, इसलिए दोनों Cl आयन्स रहेंगे यहाँ पर इन दी स्ट्रेट लाइन और एक्सियल यह पोजिशंस पर, और जो इस आयन का है चार्ज वो हम ऐसे ऊपर शो कर देंगे। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड्स को ऑब्जर्व करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन में सभी आ रहे हैं, सो दिस इज़ दी लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर शेप बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ICl2 1 नेगेटिव आयन, ठीक है। ऐसे ही एक और आयन होता है, दैट इज़ दी ICl4 1 नेगेटिव, ठीक है, यहीं पर सोल्व करते हैं, 1 सेकेंड। तो ऐसे ही एक और होगा आयन हमारे पास ICl4 1 नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा कि आयोडीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक ऊपर जो है चार्ज उसका इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल बन गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 हैं Cl एटम, तो 4 Cl एटम्स के साथ जुड़कर वो क्या बन जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग बचे हैं, 4 बचे हैं, तो इन 4 के बन जाएंगे 2 लोन पेयर्स। तो हमारे पास बन चुके हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, sp3 4 और 2 हो गए d2, सिंपल है, रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड से बता रहा हूँ। अब 6 के केस में हमें यहाँ पर रखने हैं 2 पोजीशंस पर रखने हैं लोन पेयर,
बट ऑक्टाहेड्रल में सभी पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं, बट फिर भी हम ऐसे इसको बना देते हैं, ये चार के चार सीएल एटम ऐसे बना देते हैं, और जो हमने दो रखे हैं लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे, और इसका जो है चार्ज वो ऐसे आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में इसको बनाकर ऊपर यहाँ पर बना सकते हैं इसका चार्ज। सो दिस इज़ दी ICl4-1 एक्टिव। अब इसकी शेप क्या बनेगी, दिस इज़ दी स्क्वायर प्लेनर शेप, क्योंकि अगर हम इनको हटा दें तो ये सभी एक ही ये प्लेन में आ रहे हैं, सो दिस इज़ दी स्क्वायर प्लेनर शेप। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर शेप। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। तो मैंने आपको यहाँ पर टोटल बताई हैं 5 स्ट्रक्चर्स, तो आपने अच्छे से इनको याद रखना है। ऐसी कोई भी फॉर्म आपको यहाँ पर पूछी जा सकती है, तो आप लोग ईजिली उसे बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और सभी वीडियोस को देखने के लिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।